बताते हैं कि रॉक गार्डन सभागार में विधायक दल की बैठक हुई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने अपनी भड़ास निकाली है। सरकार में अनदेखी से विधायक नाराज हैं। विधायकों की नाराजगी पर पार्टी गंभीर है। दिल्ली जाने वाले विधायकों को फटकार लगी। बंधु और प्रदीप की सदस्यता के मुद्दे पर पार्टी मुखर है। तो कांग्रेस विधायक का एक डेलीगेशन जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेगा। इस दौरान कांग्रेस मुख्यमंत्री को अपने विधायकों के मसलों से अवगत कराएगी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस बात पर सहमति बनी है। इस मुलाकात के लिए कांग्रेस अपना एजेंडा लिखित रूप से तैयार करेगी। गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कांग्रेस विधायकों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। विधायकों ने बैठक में सरकार से कई मांग पर बात करने के लिए आवाज उठाई। रॉक गार्डन के सभागार में हुए इस बैठक में कांग्रेस के 17 विधायक मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बताया कि पार्टी का एक डेलीगेशन जल्द मुख्यमंत्री से मिलेगा और मुख्यमंत्री को कांग्रेस विधायकों की भावना से अवगत करवाया जाएगा। और प्रमुखता से कुछ विषयों को उठाया गया है। तमाम विधायकों का कहना है कि एक रेजोल्यूशन के माध्यम से आज जो हमारे दल के मीटिंग हुई है उस बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास उसको रखने की काम हम लोग करेंगे। उसमें आरक्षण नीति जो अब बहुत दिनों से यहाँ पर कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, दूसरे का भी जी 27% ओबीसी का आरक्षण, उसके लिए जो लैंड बैंक या जमीन संबंधित जो भी चीज है उसका भी एक रेजोल्यूशन बनाकर देने के लिए विधायकों ने कहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने फिर से दोहराया कि उन्हें उतनी तरजीह नहीं दी जा रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने पर विधायकों ने सहमति जताई। रोजगार के मुद्दे पर भी विधायकों ने अपनी बात रखी। बैठक में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बुधवार को मुख्यमंत्री के साथ रोजगार को ही बैठक की जानकारी भी दी। ये तो इसका जवाब देखे, हम टीवी भी बहुत कम देखते हैं, हम क्या बोले नहीं बोले उनको जानकारी भी उतना नहीं है, हम रखने का काम करते हैं। आज जो एजेंडा में आया है सारे लोग ने बैठकर हंसी मजाक करते हुए बढ़िया से अपने अपने बातों को रखने की काम किया और झारखंड का खुशहाली के लिए सबको एकजुट हम लोग हैं। हमारी सरकार के नेतृत्व जो कर रहे हैं उनके सामने अपना सुझाव भी हम लोग रखेंगे और हमारी सरकार गठबंधन की सरकार बेहतरीन काम कर रहे हैं। वोटिंग पर भी चर्चा हुई है, आज वोटिंग पर चर्चा यही हुई है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से रखेंगे, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व से बात करके फिर हम लोग बात करेंगे। वहीं विधायक दल की बैठक के बाद इस बैठक के आयोजक सत्तारूढ़ दल की सचेतक पूर्णिमा सिंह ने कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं, सब मिलकर सरकार की योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। वहीं बोर्ड निगम पर भी बैठक में चर्चा की जानकारी उन्होंने दी। थर्ड वेव नहीं आती है तो सरकार अपनी गति जो उसने फर्स्ट वेव के बाद पकड़ ली थी, अगर पकड़ लेती है तो निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं तक जो है हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे। कहीं ना ये जो कोविड है इस कारणवश हम जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं ज्यादा, और कहीं ना कहीं उनमें निराशा है। मैं 100% जो है बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। बस हम सबका अपना अपना मत भी होता है, हम सबका अपना अपना व्यवहार भी होता है, हम सब अपने तरीके से करते हैं। कोई अगर आपको कहीं मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई अलग है। हम कांग्रेस विधायक दल की बैठक में दिल्ली जाने वाले 4 विधायकों को जहां फटकार खानी पड़ी, वहीं बैठक के दौरान कई बार सरकार में बने रहने को लेकर भी बात उठती रही। इस बीच कांग्रेस विधायकों को अब इंतजार है कि मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में कितनी बातों पर सहमति बनती है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इसमें विधायक भड़ास निकालते हुए भी नजर आए।
ये देखिए, ये दिसंबर में ही तय किया गया था कि हर एक महीने कांग्रेस विधायक दल की बैठक की जाएगी, लेकिन फरवरी के बाद ये बैठक कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। और आज रॉक गार्डन के परिसर में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में तकरीबन 3 घंटे तक कांग्रेस विधायक दल की बैठक चली। इस बैठक में कांग्रेस के 18 में से 17 विधायक की मौजूदगी थी। 18वें विधायक के रूप में दीपिका पांडे सिंह आज की इस बैठक में अनुपस्थित थी, क्योंकि उनको उत्तराखंड में रहना था। अभी हाल में ही वो कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बनी है और इसलिए आज उन्हें उत्तराखंड का सह प्रभारी बनाया गया है। और जहां तक बात बैठक की जाए तो बैठक में कई तरह के मुद्दे आज उठे। जिस तरह से विधायकों ने कहा कि जब हम पहली बार बैठे थे विधायक दल की बैठक में और उस वक्त हम जहां थे, आज 1.5 साल होने के बाद भी हमारी स्थिति लगभग वही है, हमारी सुनी नहीं जाती है, ऐसी बातें विधायक दल की बैठक के अंदर विधायकों ने कही। साथ ही साथ ये भी बातें उभर कर सामने आई कि हमारी सुनेगा कौन। राज्य के कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री हैं, 4 मंत्री अगर हमारी बातों को प्रमुखता के साथ मुख्यमंत्री तक रखते हैं तो हमारी बातें जो हैं वो शायद सुलझ सके। इस बीच जो दिल्ली 4 विधायक अचानक गए थे कांग्रेस विधायक दल की बैठक आहूत होने के बाद, उन्हें भी इस बैठक में फटकार लगी है। वही कई विधायकों की अगर माने तो सबसे पहले तो जो मुद्दा उठा कि प्रदीप यादव बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल तो जरूर हो गए हैं, लेकिन 1 साल से ऊपर हो चुका है तक उनकी विधायकी को लेकर विधानसभा के न्यायाधिकरण से कोई जजमेंट नहीं आ पाया है। तो ऐसे में यह भी तय किया गया है कि कांग्रेस अब मुखरता से इनकी सदस्यता को लेकर अब दबाव बनाएगी। साथ ही साथ चाहे आरक्षण नीति की बात करें, जो 27% आरक्षण ओबीसी को देने की बात उठती थी उस मसले पर बात हो, लैंड बैंक के विषय में अगर बात कही जाए या फिर बोर्ड निगम के बंटवारे के संबंध में आज की बैठक में बातचीत उठी है। और साथ ही साथ जो प्रमुखता से कांग्रेस ने कहा कि रोजगार के मसले पर भी कांग्रेस के विधायकों ने आज बैठक में अपनी बातों को रखा है, जिसके बाद यह तय किया गया है कि बहुत जल्द कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेगा और संभावना जताई जा रही है कि सोमवार के दिन ये मुलाकात मुख्यमंत्री से प्रस्तावित है। और इस दिन से पहले कांग्रेस अपना पूरा एजेंडा जो है वो तैयार करेगी कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान किन किन विषयों पर बात होनी है, और लिखित प्रतिवेदन जो है वो मुख्यमंत्री को भी कांग्रेस की तरफ से सौंपा जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो सभी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री के आवास या झारखंड मंत्रालय पहुंच सकते हैं। लेकिन इतना जरूर तय हो चुका है कि आज की इस बैठक में कई तरह की बातें उभर कर सामने आई है। अपने मंत्रियों पर भी नाराजगी जताई गई। वहीं अगर बात कही जाए तो जो दिल्ली से लौटे इरफान अंसारी ने एक बार फिर से इस बैठक के अंदर एक व्यक्ति एक पद की बात उठा दी, जिसपे प्रदेश अध्यक्ष और जो राज्य के वित्त मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उन्होंने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराया और यहां तक कहा है कि कोविड काल में इतनी उम्र के बावजूद अगर वो सरकार और संगठन दोनों में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसे में ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा एक व्यक्ति 2 पद पे रहेगा कि 1 पद पे रहेगा। ये मसला विधायक दल की बैठक का नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर किया जाता है। जहां तक बात की जाए तो विधायकों ने आज की इस बैठक में इन बातों का भी उल्लेख किया कि जेएमएम के विधायकों को ज्यादा तरजीह मिल जाती है बनिस्पत कांग्रेस के विधायकों की। तो कुल मिलाकर आज की इस बैठक में का खट्टा मीठा अनुभव जरूर रहा है। कई बातों पर आपस में एक तरह से कहा जाए तो नोकझोंक की स्थिति भी बनी, वहीं कई मसलों पर आम सहमति भी नजर आई। और जिस तरह से बात की जाए कि कल जो रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्री जो कि झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता भी आलमगीर आलम के साथ मिलकर एक बैठक की थी और उसमें 1 महीने के अंदर जो लंबित नौकरियां हैं और जो पेज हैं उसको सुलझाने का निर्देश दिया गया था। तो जब रोजगार की बातें आज की इस विधायक दल की बैठक में उठी तो विधायक दल के नेता ने कल की तमाम बातों को उसे विधायकों का अवगत कराया कि किस तरह से सरकार एक प्रक्रिया के तहत जो लंबित रोजगार है उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, जो वैकेंट पद है उसको भरना चाहती है। तो इस पर विधायकों ने कहा कि ऐसा होगा तो बहुत एक अच्छा मैसेज राज्य की जनता के प्रति जाएगा। और साथ ही साथ वो तमाम एजेंडे जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जारी किए गए थे विधानसभा के चुनाव के वक्त, उस पर भी बातचीत की गई। संगठन में को भी लेकर विधायकों ने कहा कि कई साल से संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है, तो उस पर भी केंद्रीय नेतृत्व की सहमति की बात सामने आई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विधायकों ने अपनी पूरी बात आज अपने उचित प्लेटफॉर्म पे, जो कि विधायकों के लिए किसी भी दल में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अपना विधायक दल का बैठक होता है, तो उस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के विधायकों ने रखी है। और साथ ही साथ ये भी नसीहत आज विधायकों को दी गई है कि बेवजह की बयानबाजी जो है वो मीडिया में ना करे, जो बातें हैं उसे प्लेटफॉर्म पर ही रखे तो उचित होगा, तब जाकर इसका समाधान किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक सहमति बनी है और जो निराशा विधायकों के अंदर
लेकर है। उसके बाद एक आस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस विधायकों की है कि जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो अपनी जो बात है उसको रखेंगे, और ऐसे में मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस के विधायकों की बातों पर सहमत नजर आएंगे तो एक इसका सुझाव, इसका निराकरण भी निकल सकता है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन बैठक आज कांग्रेस विधायक दल की रही। अब जब आपस में लोग बैठते हैं, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि बैठते हैं, और वो भी जनप्रतिनिधि अगर हो तो निश्चित तौर पर अगर अपनी सरकार हो तो कुछ ना कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं जिसको कि पार्टी को रूबरू कराना होता है। तो ऐसे में उन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि सोमवार को अगर मुख्यमंत्री से कांग्रेस का डेलीगेशन मिलता है तो उस दिन ये बातें उभर कर सामने आएगी कि आने वाले समय में कांग्रेस के विधायकों ने जो आज डिमांड अपना रखा था उसको कब तक पूरा करने को लेकर सरकार जो है वो आश्वस्त करती है कांग्रेस के डेलीगेशन को। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी और इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, कई ऐसे मुद्दे भी उठे जिसमें थोड़ी तकरार भी हुई और कई ऐसे मुद्दों पर सहमति भी बनी है।